सूर्य नमस्कार को लेकर मचे बवाल के बीच देश में 80,000 जगहों पर करीब 2 करोड़ लोगों ने आज सूर्य नमस्कार किया। देश इस साल को विवेकानंद की 150वीं जयंती साल के तौर पर मना रहा है। सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन विवाद के बीच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सूर्य नमस्कार में शामिल हुए। मुस्लिम संगठनों ने सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किए जाने का जब विरोध किया तो बिहार सरकार ने यू टर्न लेते हुए इसे वैकल्पिक बना दिया था, लेकिन आज सूर्य नमस्कार के मौके पर भी सियासत जारी रही। मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार सरकार का इस कार्यक्रम के संबंध में रुख बदला है, लेकिन सियासत तो हो गई इस पर जेडीयू के लोगों ने। सियासत कुछ नहीं हो, जिंदगी मजा नहीं है। बिहार विधानसभा परिषद के पूर्व सभापति भले ही इसे स्कूली शिक्षा में शामिल करने की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के मंत्री इस पर राजनीति नहीं करने की बात कह रहे हैं। जो लोग भी विवाद कर रहे हैं सूर्य नमस्कार को लेकर के, वो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर बात को, सब चीज को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। भाई, इस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद के शताब्दी पर अगर सूर्य नमस्कार का विरोध होगा तो ये कहीं न कहीं इस देश के अंदर फिर देशभक्तों की कोई संख्या नहीं रहेगी। बिहार के अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। दिल्ली से लेकर मुंबई और अजमेर से लेकर भोपाल तक बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया।